गवर्नमेंट के वाइन शॉप ओपन करने के डिसीजन के बाद कुछ इसी तरह का केओस हर जगह देखने को मिल रहा है। लोग अचानक हजारों की संख्या में अल्कोहल खरीदने पहुंच गए हैं और इस केओस को देखते हुए एक्ट्रेस मलाइका अरोरा ने किया है रिएक्ट। मलाइका ने गवर्नमेंट के अल्कोहल शॉप ओपन करने के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है। मलाइका का कहना है इसकी वजह से डोमेस्टिक अब्यूज और चाइल्ड अब्यूज को बढ़ावा मिलेगा। मलाइका ने अपने पोस्ट में लिखा, I still don't get what was the need or desperation or necessity to open liquor shops. Bad idea. Only gonna create more chaos, domestic abuse, child abuse. Well, मलाइका का ये कंसर्न बिल्कुल ठीक है। आखिर लॉकडाउन की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स में अनप्रेसिडेंटेड बढ़ोतरी हुई है। खुद बॉलीवुड के टॉप सेलेब्स लाइक अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, विद्या बालन और फरहान अख्तर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और अब जबकि गवर्नमेंट ने अल्कोहल शॉप्स को खोलने का डिसीजन लिया है, ये इंसिडेंट बढ़ सकते हैं। वैसे मलाइका अरोरा ने जो कंसर्न सोशल मीडिया पर दिखाया है उससे कई लोग इत्तेफाक रखते हैं और वाइन शॉप के खुलने के बाद जिस तरह का केओस देश के डिफरेंट पार्ट्स में दिखा है उससे ये साफ है कि गवर्नमेंट को अपने डिसीजन पर फिर से सोचना पड़ सकता है। वैसे गवर्नमेंट ने जरूर कई इलाकों में भीड़ को देखते हुए शॉप्स को बंद कर दिया है, लेकिन इस सिचुएशन को संभालने में अभी वक्त लग सकता है। Watch E-Town News Monday to Friday at 9:30 p.m. only on Zoom.